का हित सर्वोपरि। छोटी बच्ची ने अपने बाप खोया है, 33 साल की उनकी पत्नी ने अपना पति खोया है, और जो है 96 ईयर के उनके नाना ने उन्होंने अपना बच्चा खोया है, 70 साल के उनके बाप ने अपना बेटा खोया है। तो बहुत बड़ी क्षति है, और मुझे जैसा दादा बता रहे थे, इसकी भरपाई शायद ही हम कभी कर पाएंगे। और इतने कर्मठ और इतने लोकप्रिय नेता बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी और जिस तरह का इंसिडेंट हुआ, कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है, क्योंकि वो इतने बड़े नेता थे, उनको कोई भी चीज़ हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि एक गाड़ी में चार लोग थे और अभिजीत दा नहीं रहे हमारे बीच में, बाकी तीन लोग ठीक हैं, ऐसी भी जो है सूचना आ रही है, और उनकी धर्मपत्नी से हम लोग मिल करके आए, तो उनकी जो है ये शंका है कि ये एक्सीडेंट ना हो करके ये हत्या है। और हमेशा से मैं खुद भी और अभिजीत दा भी, हम हमेशा से जो है टीएमसी वालों के टारगेट में रहे हैं। यहीं के लोकल बहुत बड़े बड़े जो है नेता लोग जो है ये आम तौर पे खुले आम कहते रहे हैं कि इन दोनों को रास्ते से हटाओ। तो मैं जो है जैसा दादा ने कहा, चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो, और जो है इसके जांच के बाद जो है इसके ऊपर में कार्रवाई हो। अगर जांच ठीक से नहीं होती, इसके लिए मुझे गृह मंत्री जी को लिखना पड़ेगा, मैं उनको भी लिखूंगा है इसके ऊपर में कार्रवाई हो। अगर जांच ठीक से नहीं होती, इसके लिए मुझे गृह मंत्री जी को लिखना पड़ेगा, मैं उनको भी लिखूंगा। और मैं गृह मंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि हमारे इतने लोकप्रिय नेता थे, एटलीस्ट हम सब की संतुष्टि के लिए, कार्यकर्ता की संतुष्टि के लिए, परिवार की संतुष्टि के लिए इसकी सीबीआई जांच भी हो। देखिए, पहले तो जांच स्टेट कर रही है, और आज जैसा रिपोर्ट में आया कि मतलब जिस तरह की जांच होनी चाहिए, जिस तरह की रिपोर्ट एफआईआर में होनी चाहिए, उस तरह की नहीं है। अब इसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और मैं यहाँ से कल ही दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो परसों मैं गृह मंत्री जी से मिल करके मैं उनसे भी सलाह करूँगा कि इसकी ऐसी जाँच हो, क्योंकि बहुत सारे शंका हमारे मन में पैदा हो रहे हैं कि इस तरह की शंका जो है किसी कार्यकर्ता और हमारे बीच में ना रहे। देखिए, आज मैं कोई पॉलिटिक्स की मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं आज ये नहीं चाह रहा था इसमें कोई पॉलिटिकल बातें करूं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया और जो है माहौल भी ऐसा है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। आज से कुछ ही मैंने मतलब कुछ ही दिन पहले, महीना भर भी नहीं हुआ, आपने भी सुना होगा, अभिजीत दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक किसी महिला ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि 2001 के अंदर में अभिजीत दा ने जो है जमीन की बहुत बड़ी धांधली की, और उसके अंदर में 45 लाख रुपए उनको मिले, और वो 45 लाख रुपए उन्होंने राजू जी के लोकसभा चुनाव के अंदर में खर्च किए। मैं है इसके ऊपर में कार्रवाई हो, अगर जांच ठीक से नहीं होती, इसके लिए मुझे गृह मंत्री जी को लिखना पड़ेगा, मैं उनको भी लिखूंगा, और मैं गृह मंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि हमारे इतने लोकप्रिय नेता थे, एटलीस्ट हम सब की संतुष्टि के लिए, कार्यकर्ता की संतुष्टि के लिए, परिवार की संतुष्टि के लिए इसकी सीबीआई जांच भी हो। देखिए, पहले तो जांच स्टेट कर रही है, और आज जैसा रिपोर्ट में आया कि मतलब जिस तरह की जांच होनी चाहिए, जिस तरह की रिपोर्ट एफआईआर में होनी चाहिए, उस तरह की नहीं है। अब इसके बाद हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे, और मैं यहाँ से कल ही दिल्ली वापस जा रहा हूँ, तो परसों मैं गृह मंत्री जी से मिल करके मैं उनसे भी सलाह करूँगा कि इसकी ऐसी जाँच हो, क्योंकि बहुत सारे शंका हमारे मन में पैदा हो रहे हैं कि इस तरह की शंका जो है किसी कार्यकर्ता और हमारे बीच में ना। देखिए, मैं आज ये नहीं चाह रहा था इसमें कोई पॉलिटिकल बातें करूं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया और जो है माहौल भी ऐसा है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज से कुछ ही मैंने मतलब कुछ ही दिन पहले, महीना भर भी नहीं हुआ, आपने भी सुना होगा, अभिजीत दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक किसी महिला ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि 2001 के अंदर में अभिजीत दा ने जो है जमीन की बहुत बड़ी धांधली की, और उसके अंदर में 45 लाख रुपए उनको मिले, और वो 45 लाख रुपए उन्होंने राजू जी के लोकसभा चुनाव के अंदर में खर्च किए। मैं आज ये नहीं चाह रहा था इसमें कोई पॉलिटिकल बातें करूं, लेकिन आपने प्रश्न पूछ लिया और जो है माहौल भी ऐसा है, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज से कुछ ही मैंने मतलब कुछ ही दिन पहले, महीना भर भी नहीं हुआ, आपने भी सुना होगा, अभिजीत दा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, एक किसी महिला ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया कि 2001 के अंदर में अभिजीत दा ने जो है जमीन की बहुत बड़ी धांधली की,
और उसके अंदर में 45 लाख रुपए उनको मिले और वो 45 लाख रुपए उन्होंने राजू जी के लोकसभा चुनाव के अंदर में खर्च किए। मैं आपको आज सारे मीडिया के सामने बता रहा हूँ, इस पूरे लोकसभा चुनाव में जो भी पैसे लगे मैंने अपने जेब से लिए, मैंने किसी व्यक्ति, किसी व्यापारी, किसी आम आदमी से एक रुपया तक भी चंदा नहीं लिया। और इस तरह का एलिगेशन, यानी 2001 में, तब तो मैं छोटा बच्चा था, शायद पोटी भी ठीक से नहीं कर पाता था, और अभिजीत दा मेरे से 2 साल ही बड़े हैं। तो इस तरह के एलिगेशन जो है यहाँ की टीएमसी सरकार और यहाँ के नेता बार बार लगाते रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें शक के घेरे में है। राजू जी, इस घटने के बाद आपके जीवन खतरा लग रहा है? देखिए, मतलब बंगाल के अंदर में नेता आप छोड़ दो, आम जनता भी आज जो है खतरे में है, और यहाँ की जनता भी इस चीज़ को समझती है, क्योंकि यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और मैंने एक ऐसी पार्टी देखी है जिसका नाम टीएमसी है, जो कार्यकर्ता और नेताओं से नहीं, पुलिस के गुंडों से चलती है। तो इसीलिए जो है इस तरह का वातावरण बंगाल का बना है, और यहाँ पे जो है आम जनता भी अपने आप को आप सुरक्षित नहीं मानती। ये बहुत ही दुखद घटना है। ये बंगाल का एक महान सपूत और बंगाल बीजेपी को एक बहुत बड़ा क्षति है। ये नॉर्थ बंगाल बीजेपी को क्षति है और सिलगुड़ी को क्षति है। उनका एक बहुत बड़ा सपना था सिलगुड़ी को लेके, कि यहाँ का उन्नयन करेगा। ऐसा आदमी था कि जो 24 घंटा राजनीति में, और इतना बड़ा स्कॉलर होके बहुत पढ़ाई किया, पीएचडी अपना थीसिस जमा करने वाला था, फिर भी ये सेवा के लिए, राजनीति के लिए उन्होंने ये नहीं किया। तो बहुत लॉस है। और मेरे व्यक्तिगत रूप से भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था, भाई था। दार्जिलिंग MLA टिकट जब मिला, तब से वो मेरे लिए पहाड़ में आके पूरा प्रचार प्रसार किया, मेरे को बहुत हेल्प किया। इन ऑल फ्रंट्स माने बहुत चीज़ आता है। तो बहुत बड़ा नुकसान है। अभी अभी उनको एक प्रेसिडेंटशिप का रिन्यूअल हुआ था, उनका सपना था कि आके कुछ करे कॉरपोरेशन के लिए, MLA इलेक्शन के लिए। तो पार्टी को बहुत बड़ा क्षति हुआ, पार्टी को नहीं, पार्टी का हिसाब से भी नहीं, सिलगुड़ी ने बहुत बड़ा एक लीडर गुमाया। कांग्रेस का मलाकार साहब है, CPM का अशोक बाबू है, तो ऐसे ही अभिजीत भाई भी बनने वाला था बीजेपी का, और इतना छोटा उम्र में इतना बड़ा मेट्योरिक राइज बोलते हैं, राजनीति में ऐसा नहीं होता है। और प्रकृति को, या उनका दूसरा इच्छा था कि अंग्रेजी में कहावत कि गुड पीपल डाई यंग। तो बहुत दुखद घटना है। और मेरा, मैंने अपना बहुत बड़ा बढ़िया दोस्त गुमाया है, हमारा फर्टिनिटी का था, एडवोकेट भी था, स्कॉलर भी था। यहाँ पर द पार्टी, एज ए सीनियर लीडर ऑफ द पार्टी, आई कैन ओनली से दैट द इंसिडेंट व्हिच हैज टेक प्लेस एंड द मैनर इन व्हिच स्टेट गवर्नमेंट डील्स विद द मैटर, दैट इज नॉट सो इजी। তাসি কি দাবি করলেন? তাসি বলছেন যে এই খুনের তদন্ত হোক, এবং তদন্ত পরে যা আসবে সেইটাই দেখা। মানে পরিষ্কার খুনই বলছেন? উনি বলছেন খুন। ওয়াইফ কা বাত হাই যে ইট ইজ নট এ জেনারেল অ্যাক্সিডেন্ট, ইট ইজ এ কেস অফ অ্যাবসোলুটলি কনস্পায়ার্ড মার্ডার, দিস ইজ দ্য এলিগেশন মেড বাই হার। সো হোয়াট ইজ ইয়র পার্টিজ? মাই পার্টি স্ট্যান্ড ইজ দ্যাট হুইচ উই হ্যাভ সিন just few months back when an accident has taken place at Hooghly, the manner in which state government reacts in this case, that is absolutely so right. What kind of